नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभिन 24 न्यूज़। आपको बता दें इस समय सेक्टर 12 के योग शिविर के अंदर जो है खड़े हैं, लेकिन यहां पर जो है शेड के नीचे आप देख सकते हैं कि सभी जो ये गेस्ट टीचर्स हैं ये बैठे हुए हैं। और यहां पर जो है आपको अगर ध्यान से बताएं तो सामने जो है ये सभी के सभी जो टीचर्स हैं वो ज्ञापन लिख रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम, और साथ में जो है आप देख सकते हैं कि खून से जो है वो ज्ञापन लिखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पूरा मामला है, एक बार बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से कहेंगे इस खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं कि अपने हाथों से जो है, अपने खून से जो है ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या कुछ इनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक बार इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर एक बार बात करते हैं। सर, आज यहाँ पर सभी गेस्ट टीचर्स आए हुए हैं, किस चीज़ को लेकर जो है आज आप ये ज्ञापन दे रहे हैं और किनको दे रहे हैं? आज मुख्यमंत्री सहित सभी करनाल जिले के सभी विधायकों को आज ज्ञापन सौंपे जाएंगे। गेस्ट टीचर अपने खून से, महिलाएं अपने खून से पत्र लिखेंगी अपनी मांगों को लेकर, जिसमें हमारी एकमात्र मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए। 2004 में सरकार 14 में भाजपा सरकार ने हमें लिखित में आश्वासन दिया था कि गेस्ट टीचर को रेगुलर किया जाएगा, और अब भाजपा की दूसरी पारी शुरू हो गई है, अब तक भाजपा ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया। तो नियमितीकरण हमारा मुख्य मुद्दा है। इसके साथ ही जो ट्रांसफर ड्राइव चली हुई है उसमें गेस्ट टीचर की पोस्ट को खाली मान लिया गया है। हम चाहते हैं कि रेगुलर टीचर के साथ हमारा भी साथ में ही ट्रांसफ़र किया जाए, हमें भी उसी नीति में उन्हीं के साथ शामिल किया जाए और एक साथ ट्रांसफ़र किया जाए, ये मुख्य मांग है हमारी। तो फिलहाल जो है 2014 से अभी तक आपको पक्का नहीं किया गया? नहीं, पक्का नहीं किया है। 2019 में हमारा सेवा सुरक्षा बिल भाजपा सरकार जरूर लेके आई, पर उस बिल में भी बहुत खामियां हैं। एक तो हमें केवल नाममात्र वेतन मिलता है, वेतन का हमारे बहुत रेगुलर टीचर से आधे से भी कम वेतन है हमारा। इसके अलावा मेडिकल या कोई दूसरे बेनिफिट, HRA वगैरह कोई बेनिफिट, कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही? नहीं, कोई नहीं, हमें सिर्फ टीचर्स को दी जाती है, सिर्फ हमें एक मुफ्त वेतन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, तो ये सभी आप के कितने ज्ञापन जो है आज लिख रहे हैं? फिलहाल आज मुख्यमंत्री सहित चार विधायक, पांचों विधायक जो करनाल जिले, हाँ, सभी के नाम यहाँ लिख के और सभी को तय कार्यक्रम करके दे दिए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री को मुख्यतः ज्ञापन कब दे रहे हैं आपने? अभी दे रहे हैं जी, मुख्यमंत्री के वहाँ जाएंगे आवास पे, आवास पे जाकर देंगे। यहाँ पर जो है और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आपको बता दें 12 सेक्टर से तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सभी टीचर्स जो हैं वो देख बैठे हुए हैं, गेस्ट टीचर्स, और अपनी मांगों को लेकर जो है ज्ञापन लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कई सालों से जो है इनकी मांग रही है कि उन्हें पक्का किया जाए। इसके अलावा जो सुविधाएँ हैं वो उन्हें नहीं मिल रही हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो है फिलहाल एक बार बात करने की कोशिश जो है करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज सभी टीचर्स हुए हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खून से जो है ज्ञापन लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, सब क्या? देखिए, मेरा नाम देवेंद्र सिंह संधू है, मैं पूर्व जिला प्रधान हूँ। आज हमारा यहाँ खून से जो ज्ञापन पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है वो हमारा सरकार को जागृत करना है कि सरकार समय रहते जो है, क्योंकि सरकार ने सत्ता में आने से पहले हमसे वादा किया था, और जो उस समय यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे श्री रामविलास शर्मा जी, जब हमारा दिल्ली पर जंतर मंतर पर धरना चल रहा था 11 दिन का अमरण अनशन का, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते ही पहली कलम चलेगी, गेस्ट टीचर पक्के होंगे और आपको पिछले 7-8 साल का 10 साल का एरियर भी दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भी अब 2 साल गुजरने को हैं, और हमारा जो एक्ट बनाया गया था 2019 में उसकी अभी तक कोई रूल रेगुलेशन गाइडलाइन जारी नहीं हुए। अब दुर्भाग्य हमारा कोई भी पत्र अगर विभाग ऊपर से जारी करते हैं, जो DSC से जारी होता है, वो बार बार फिर यहाँ से हमारे पास मांग की जाती है कि इसको ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी से दोबारा से जो है फॉरवर्ड कराएं, खंड शिक्षा अधिकारी से फॉरवर्ड कराएं। अब जैसा कि ये मानदेय बढ़ा है सभी कर्मचारियों का, अब ये मानदेय दूसरे जो रेगुलर कर्मचारी है उनको 7-7 मिल गया, उनका 7-7 निकल गया, लेकिन हमारा मानदेय जो है अभी तक नहीं निकाला गया, उसके लिए अलग से पत्र मांगते हैं। जबकि हमारा जो पैरा नंबर 4 में स्पष्ट लिखा गया है कि जब भी रेगुलर कर्मचारियों को जो सरकार ऊपर जो भी मानदेय देगी या DA बढ़ाएगी, उसी अनुपात में आपका मानदेय बढ़ेगा। और इसका लिखने के बावजूद भी अधिकारी जो हैं, जो हमारे जो DDOs हैं, जो हमारे जितने भी स्कूलों के इंचार्ज हैं, वो सारे बार बार पत्र की मांग करते हैं। तो ये सौतेला व्यवहार हमारे साथ होता है। हमें स्कूलों में सेवा करते हुए लगभग 16-17 साल हो गए। 2005 में जब हुड्डा सरकार थी, उस समय स्कूलों का कोई रखवाला नहीं था, सारे स्कूल बंजर पड़े थे, खाली थे, सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी भर्ती कर सके। लेकिन सरकार ने अपना काम चलाने के लिए यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी के अनुसार हमारा उपयोग किया था। उन्होंने जो उस समय हमारे रोज़गार दिया, और उसमें ये 6 महीने के लिए दिया था, लेकिन सरकार की मजबूरी थी,
सरकार ने वो जो है अनुबंध आगे बढ़ाती गई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम सभी योग्यता पूरी करते हैं, सभी एम ए बी एड हैं, JBT हैं, PhD क्वालिफायर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई योग्यता नहीं करता, पूरी योग्यता है हमारी। उसके बावजूद आप 2005 से हम लगने शुरू हुए थे, आज 2021 आ गया, 17 साल हो गए हैं। पर 17 साल आज इस दौरान हमारे बहुत से हमारे साथी जो हैं हमारे बीच से कोई बीमारी से, कोई दुर्घटना से, और हमारी बहन रानी 2008 के अंदर रोहतक शिला बाईपास के अंदर वो पुलिस की गोली से शहीद हुई थी। तो इतनी कुर्बानियां देने के बाद यहाँ हमने दिल्ली करण भूमि के ऊपर भी हमारे साथी जो हैं लाठीचार्ज हुए, डंडे खाए, जेल के अंदर रहे 45 दिन, और यहाँ इतने धरने प्रदर्शन हो चुके, हम ऊब चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम ये दोबारा से कोई काम करें, हम चाहते हैं कि सरकार जो है शांतिप्रिय ढंग से, हम एक अध्यापक हैं, अब आप अध्यापक सड़कों पे फिरेगा अपनी मांग को रखते हुए तो समाज क्या कहेगा। हमें खुद शर्म आती है कि हम सरकार से बार बार मांगे। आज क्या करेंगे? आज हमारा मुख्य एजेंडा है कि हम जो खून से जो मांग पत्र अपना जो हमारी मुख्य मांग है नियमितकरण की, और दूसरा जो ट्रांसफर पॉलिसी सरकार इस समय कर रही है, जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी सरकार ने लागू कर रखी है, सरकार ने क्या उसमें क्या किया कि पहले नियमित जो टीचर हैं वो उनको ट्रांसफर होगी, उसके बाद बची हुई सीटों पर जो है गेस्ट टीचर को ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक हमारे से बहुत ही भद्दा मजाक है। भद्दा मजाक इसलिए है कि एक तो हमें वेतन पूरा नहीं मिलता, दूसरा हमें यहाँ मोरनी हिल या मेवात कहीं भी भेज दिया जाएगा अपने परिवार को छोड़कर, तो वहाँ हमारे जो गेस्ट टीचर हैं हम कैसे गुजारा करेंगे। अगर हमें वहाँ भेजना है तो उससे पहले हमें नियमित करें, हमें पूरे भत्ते दें, हमें ना कोई मकान का HRA मिलता है, ना कोई मेडिकल है। इस कोरोना काल में हमारे बहुत से साथी गुजर चुके हैं, दुर्घटनाओं में हमारे बहुत से साथी गुजर चुके हैं। एस ग्रेसिया की जो पॉलिसी सरकार ने लागू की है कि 52 साल से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको उसके परिवार को पढ़े लिखे को नौकरी देंगे, वो आज तक नहीं दी गई, हमारे किसी भी साथी को नहीं दी गई। ये एक घिनौना जो है सरकार हमारे साथ एक हादसे पर मजाक कर रही है कि बैनरों पे तो बहुत कुछ लगा रही है कि हम गेस्ट टीचरों को पक्का कर रहे हैं, अखबारों में वाह लूट रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है सर, धरातल पर ये कुछ नहीं है। ये हम ही जानते हैं कि आज हम स्कूलों में हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो एक नियमित अध्यापक कर रहे हैं, हम BLO की ड्यूटी निभा रहे हैं, मिड डे मील का इंचार्ज सारा देख रहे हैं, और जो भी ड्यूटियाँ हमें सरकार देती है इलेक्शन में करवाने की ड्यूटी देती है, जितने भी हम अब कोरोना काल में हमारे बहुत से टीचर जो हैं आगे एक योद्धा के रूप में उन्होंने कार्य किया, तो सर हम अपनी ड्यूटी से कहीं पीछे नहीं हटते। लेकिन हमारा एक अधिकार है कि जब आप एक थाली में दो पेट क्यों कर रहे हो, कि इतने साल हो गए हमें लगे को, आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी हम पक्का करेंगे, आज उस वादे को 7 साल भी हो चुके हैं। क्या कारण लग रहा है, क्योंकि जब आप लोग जो है अपने पद पे काम भी कर रहे हो इतने सालों से, और अगर अब जो है आपको पक्का नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या लग रहा है? क्योंकि जरूरत तो है टीचर्स की, काम तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि वो आपको वो सुविधा ही नहीं देना चाहते हैं? कारण क्या इसके पीछे लगता है कि सरकार रखना नहीं चाहती है आपको अब, या क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, देखिए सरकार रखना चाहती है, लेकिन सरकार चाहती है कि कम वेतन में हम ज्यादा कर्मचारी लगाएं, कि सरकार की जो नेतन देने के हमारे मतलब काम उतना ले रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो MLA मंत्री हैं, जब वो कभी अपनी कोई मांग अपना जो फटाफट भत्ता बढ़ा लेते हैं, अपनी सारी सुविधाएं बढ़ा लेते हैं, क्या वो जनमत संग्रह करवाते हैं? अगर वो जनमत संग्रह कराएं ना अपने लिए, हालांकि राजनीतिक का जो पद है वो एक सेवा का पद है, अब उसमें 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं खुद, और सारी सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, उसके बावजूद जब खुद वो सारी सरकारी सुविधाएं ले रही हैं, तो एक अध्यापक जो कि समाज निर्माता है, समाज का निर्माण करता है, तो उसको सुविधाएं देने में सरकार क्यों संकोच करती है? अगर एक अध्यापक भूखा होगा तो वो समाज की भूख कैसे मिटाएगा, एक बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे देगा? जब तक हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे, हमें अपना परिवार हमारा पूरा सुरक्षित नहीं होगा, तो हम अपना ज्ञान आगे कैसे बांटेंगे? तो हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार समय रहते जो है हमें जो एक कलम से उन्होंने नियमित करने का वादा किया था अपना वादा निभाए। इसीलिए आज हमारे जो गेस्ट टीचर हैं वो रोष पूर्वक जो हैं खून से पत्र लिखकर सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं। इनको ज्ञापन दिया जा रहा है, ये पूरे हरियाणा के अंदर जो भी विधायक हैं सत्ता पक्ष के विपक्ष के सभी को दिया जा रहा है, सभी को आज इसी कड़ी में हम क्योंकि करनाल से गेस्ट टीचर हैं प्रदेश भर में, जितने भी गेस्ट टीचर हैं, हाँ 14,000 के लगभग गेस्ट टीचर प्रदेश भर में हैं, वो सारे ही पूरे हरियाणा के अंदर जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है कुछ और टीचर्स हैं उनसे बात करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज उनसे जो है लिख रहे हैं ज्ञापन, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुनेंगे? सरकार को हम यही चेताना चाहते हैं कि जो झूठे वायदे सरकार ने किए, बार बार संपूर्ण हरियाणा में हमारे प्रति ऐसा विश्वास दिला दिया जनता को कि सर हमने एक्ट बनाकर अतिथि अध्यापकों को नियमित कर दिया, लेकिन
उसके नाम पर हमारे साथ सिर्फ धोखा 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 ही हुआ। कुछ भी नहीं, एक्ट में एक भी जो नियम या कानून बनाया वो हमारे प्रति वो सकारात्मक नहीं है, हर तरह से किसी भी तरह से सकारात्मक नहीं है ना हमारे पर वो लागू करते। बस उन्होंने झूठ का पुलिंदा बांध कर संपूर्ण हरियाणा को बहका दिया। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी बहन मैना यादव ने जो मुंडन करवा कर इतिहास बना, जो औरतों के सम्मान के रूप में इन्होंने जो ये छलावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन पर वो एक प्रकार का अभिशाप है, धब्बा है। तो क्या लगता है सरकार तो इस तरह का स्लोगन हमेशा बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियां तो काम कर रही हैं, जो कर रही हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते किसी भी, उनको बल्कि रोकते हैं खत्म करते हैं ये झूठे जो सरकार की दो नीतियों की वजह से दोगली नीतियों की वजह से सभी दुखी हैं। और आगे ये भी हम चेताना चाहते हैं कि सरकार इस बहकावे में न रहे, किसी तरह से आदमियों को छलावा करके वो वोट प्राप्त कर सकती है जीत सकती है। हरेक किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लो आप, हर क्षेत्र में हर जन इससे दुखी है और आने वाले समय में वो इसका नतीजा बीजेपी सरकार को भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि शुरू से धरातल से लेकर और ऊपर तक सभी दुखी हैं। तो हम यही चेताना चाहते हैं कि इससे पहले कि हम और भयंकर कदम उठाएं, हमारे जो वायदे के अनुसार हमें नियमित किया जाए और स्थानांतरण नीति में हमारे साथ ये छलावा या भेदभाव न किया जाए, क्योंकि हमने हरियाणा के स्कूलों को चमकाया है। आप हमारा रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं, समान अधिकार की बातें करते हैं तो हमें उसी नियम और कानून एक्ट के अनुसार हमें समान अधिकार दिया जाए। ये जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बात करती है, क्या लगता है सिर्फ नोटों और वोटों का खेल है? नोटों और वोटों का खेल, अब इनका तो बिल्कुल है झूठ का पुलिंदा। वोट लेने के लिए बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वोट लेने के लिए सिर्फ अपना इस्तेमाल करने के लिए हर जगह औरत दुखी है, हाँ महिला हर जगह दुखी है। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि किस तरीके से सभी गेस्ट टीचर्स हैं उनसे बात हुई और उन्होंने ये बताया कि उनकी मांगों को लेकर जो है वो आज यहाँ पर ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री और सभी जो विधायक हैं उनसे जो है ज्ञापन लिख रहे हैं, वो भी अपने खून से लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी टीचर्स हैं कई साल उन्हें हो गए हैं, काम भी उनसे उतना ही लिया जाता है जितने कि आमतौर पर जो पक्के टीचर होते हैं उनसे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा जो है उन्हें नहीं दी जा रही। और अगर उन्हें ट्रांसफ़र भी किसी और जगह किया जाता है तो उन्हें रहने और खाने के लिए जो व्यवस्थाएँ उन्हें चाहिए जो आमतौर पर मिलती हैं वो उन्हें नहीं दी जा रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिला टीचर भी सभी मौजूद हैं और यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आती है कि अगर इस तरीके से जो है परेशान वो लोग होंगे तो आखिर कैसे जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कि आपको पिछले दिनों भी बता दें कि पीटीआई टीचर्स भी जो है पिछले कई महीनों से जो है धरनों पर बैठे थे, लेकिन उनकी को मांग थी वो उनकी मांग नहीं सुनी गई, उन्हें बल्कि निकाल दिया गया और वो यही मांग कर रहे थे कि उन्हें जो है वापस उनके पदों पर रख लिया जाए। लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई हल भी जो है दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और लोगों से भी इस खबर को शेयर करें, सभी टीचर्स जो है फिलहाल आज ज्ञापन जो है वो देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है यही देखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं अपनी नौकरियां जो हैं गंवाते जा रहे हैं। उसके अलावा लोग जो हैं परेशान हो जो नौकरियों पर हैं तो उनसे काम इतना लिया जाता है कि उसके बदले में उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाता है। तो ऐसी तमाम जो है परेशानियां आम जनता को सहनी पड़ रही हैं। तो यही कहना चाहेंगे, इस खबर को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।